बद्री, अबे ओ बद्री, तेरे जुए कैसी तैसी, पाई पाई हार गया। I promise you can never win, तू कभी जीत नहीं सकता। क्या बात करता है यार, एक दिन वो आएगा कि तेरे यार के पास होंगे तीन इक्के और सामने वाले रईस के पास होंगे तीन बादशाह, 70-80 हजार की चोट दूंगा एक साथ, फिर एक बंगला लूंगा, एक मोटर लूंगा, दो चार बीवी, एक बच्चा, नहीं बीवी एक ही काफी है, दो चार बच्चे, फिर बच्चे कहेंगे डैडी, बीवी कहेगी डार्लिंग, डार्लिंग के बच्चे, चल जल्दी चल, कहाँ जाने का, कहाँ है, थे 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 कथे, नहीं समझा, नहीं भाई चांद के वहां चल, वहां क्या मजा आता है तुझे, तुझे यहाँ क्या मजा आता है भाई, ये तो बिजनेस है, नोट से नोट लड़ते हैं मैदान में, वहां जो गवाने का है ना यहाँ लगा दे भाई, माल तेरा खेल मेरा, रुपए पे एक आना कमीशन देना, अभी चल जल्दी चल, रात ज्यादा हो रही है, कहीं चांद के साथ चांदनी ना गायब हो जाए। खुदार की बार देखिएगा, क्या बताओ महाराज, मैं तो तंग आ गया हूं इस नालायक से। अजी प्राचीन काल में जब राजपूत शत्रुओं से युद्ध करने जाया करते थे तो शादी ब्याह थोड़े रुका करते थे। क्या मतलब, लड़के की तस्वीर के साथ गठबंधन हो जाया करते थे ऐसे वक्तों में। बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो फिर मंगवाइए बरखुरदार का चित्र, वरना ये केक मेज पर पड़ा पड़ा बासी हो जाएगा। अरे जालिम, अब वो बात तो बता जिसके लिए मुझे चांद के पास से उठा लाया। बता दूं? हाँ। अच्छा बता देता हूँ यार, तू भी क्या याद करेगा, आज तेरी सालगिरह है, हैप्पी बर्थडे टू यू। मार डाला, डैडी ने कहा था 7:30 बजे पहुँच जाना और अब 12 बजने वाले हैं। यार बद्री तू भी मेरे साथ चल, और आज डैडी मुझे खा जाएंगे। ए भाई तुझे तो खा जाएंगे ना, मुझे तो कच्चा ही चबा डालेंगे, बुड्ढा तो अपनी सूरत देख के कहता है मेरा घर आ गया, मुझे उतार दे। बच्चे कोई बात नहीं, सिर्फ 4:30 घंटे लेट हो। हैप्पी बर्थडे टू यू, लाइन क्लियर। गए काम से। ओ माँ जी,
मैं माँ दिखती हूँ तुम्हारी? नहीं नहीं, कौन बोलता है? चाची जी। चाची के बच्चे? तो फिर मौसी जी। आग लगे तुम्हारी मौसी को। मौसी को भी आग लगी? हाँ। तो फिर हाँ हाँ मालकन जी लैंड लेडी, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ आपके। नहीं, दर्शन के बच्चे? ओ, आप समझती क्यों नहीं है, बात यह है कि जब तक आपके दर्शन मुझे नहीं होते ना, मेरी किस्मत ही नहीं पलटती है। और अब तो आपको मेरे दर्शन हो गए, मुझे आपके दर्शन हो गए, अब तो दर्शन ही दर्शन हो गए, अब तो किस्मत पलट गई समझ लो। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ मौसी जी। फिर मौसी कहाँ है? और फिर गलती वो बात यह है कि जरा नींद आ रही है, इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो रही है। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ जाओ जाऊँ? हाँ। अरे वाह, चलो अच्छा किया, बदकिस्मती के ताले पर खुशकिस्मती का ताला लगा दिया। देखना जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे और कोई ना कोई बड़ी चाल फंसेगी। अब मार के रख दूंगा सामने वाले को। अरे बद्री, इतनी पसली है तेरी जो मार के रख दे सामने वाले को। अरे पहलवान, गए काम से। पहलवान क्या है मालकन? इसकी अच्छी तरह मरम्मत कर दो, मुकदमा मैं भुगत लूंगी। अबे कौन है बे तू? ओ पहलवान, पर मैंने कहा ही क्या है? और क्या कहेगा तू? सामने वाले को चाल में फंसा कर मारना चाहता है बदमाश। अरे पर समझने की कोशिश करो मैडम, ये चाल से मतलब पत्ते की चाल। भैया पत्ते तुम खेलते हो ना, ये तुम्हारे पास आ जाए अट्ठा नेला देला और मेरे पास फंस जाए लंगड़ी। लंगड़ी? हाँ। मुझे लंगड़ी कहता है? मैं तुझे ना लंगड़ा बना के छोड़ दूंगी। निकल जाओ यहाँ से, और सामान की जरूरत हो तो 10 दिन के अंदर अंदर ले जाना, वरना मैं पहाड़ पे जा रही हूँ हवा पानी बदलने, समझे? समझ गया, जरूर जाना चाहिए, बहुत कमजोर हो गई। चुप रहो मैं कहती हूँ। चुप। लेकिन एक मिनट प्लीज, इस वक्त किसी पशु पंछी की आवाज आ रही है, उनकी भी दुनिया है, उस दुनिया में भी लेन देन चलता होगा। लेकिन क्या मजा लेके रात को तकाजे हो, लिहाजा पहलवानों और इंसानों हैवानों से सबक लो और दरवाजा खोल दो ना। खोलता ना, निकलो यहाँ से पहलवान। जाता हूँ पहलवान, जाता हूँ मौसी। निकलो मौसी, चोर कहेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लो आगे। I'm so sorry everybody, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखिए ना, सैर करने निकले, गाड़ी पंचर हो गई। अजी पंचर लगा, चले फिर पंचर हो गई, फिर चले और फिर पंचर हो गई। जाने क्या दिन था आज का, 3 दफा गाड़ी पंचर हुई है। ये जन्मदिन गाड़ियों के लिए बड़ा मनहूस होता है, मेरी सालगिरह पर भी ऐसा ही हुआ था। भाई गौर, I'm not joking, फिर भी मैं सच्चे दिल से आप लोगों से माफी मांगता हूँ। माफी के क्या बात है बरखुदार, ये लोग तो ठीक 10:30 बजे तुम्हें क्षमा करके भोजन पर बैठ गए थे, केवल हम और तुम्हारे पूज्य पिता भूखे बैठे। ओह डैडी, मुझे माफ कर दीजिए डैडी। मेरी खैर है बरखुदार, मेहमानों का तो ख्याल किया होता। रियली आई एम वेरी वेरी सॉरी डैडी। दिल्ली की सड़कों पर तुम्हारी गाड़ी अक्सर पंक्चर हो जाती है और अब तो दिन में 3-3 पंचर होने लगे। नहीं डैडी, सच कहता हूँ कि। बैठो। इससे पहले कि मैं अपना तमाम कारोबार तुम्हारे हवाले करूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इन सड़कों से कहीं दूर चले जाओ 2-4 महीने के लिए। मैं आपका मतलब नहीं समझा डैडी। मेरा मतलब ये है कि अब कारोबार तुम्हें संभालना है और कारोबारी आदमी की गाड़ी सीधी चलनी चाहिए, उसे तुम्हारा नहीं दिल्ली की सड़कों का है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि 2-4 महीने के लिए तुम कहीं बाहर चले जाओ, वापसी पर तमाम सड़कें ठीक हो जाएंगी तुम्हारे लिए। जो हुक्म डैडी। कल शाम को 5 बजे तुम यहाँ से जाओगे, कहाँ ये तुम सोच लो। बहुत अच्छे डैडी। क्या कर रहे हो? I'm sorry डैडी। मालूम होता है सड़कें बहुत ही खराब हो गई है। हाँ दिल्ली, दिल्ली को कैसे छोड़ू? कौन क्या? कौन है? बद्री। अरे यार, इस वक्त तो परमात्मा ने तुझे यहाँ भेजा है। अरे परमात्मा ने नहीं, वो मोटी मकान मालकन ने भेजा है। मैं जाने कहाँ से उल्लू की आंखें मिल गई, उसे रात के 12-12 बजे तक पैरा भरती है कमबख्त। अरे गोली मार उसे, इधर तो बड़े सरकार ने मुझे 2 महीने का देश निकाला दे दिया। क्या मतलब? मतलब ये है कि कल शाम को 5 बजे मुझे यहाँ से रवाना होना पड़ेगा। कहाँ? यही तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो ऐसा कर, रामगढ़ के पहाड़ चला जा, फिर मौसम भी अच्छा है, मौका भी अच्छा है। नहीं यार, हुआ मुझे नींद नहीं आएगी। क्यों? वह चांद की ठुमरिया और रस भरी लोरियां कौन गाएगा?
अबे वहां तो हर छत पे चांद निकलता है, शहरी चांद तो गर्द गुबार से मटियाला हो जाता है, लेकिन वहां का चांद निखरा हुआ होगा। ऐसा? तो चल तू भी तैयार हो जा। अच्छा, अकेले में तो रामगढ़ और कालापानी दोनों बराबर है मेरे लिए। जो हुकुम, मगर ये ले 200 रुपया रख, मालकिन मकान को भी दे देना और खुद भी तैयार हो जाना। कल 5 बजे निकलना है ना, मैं ठीक 4 बजे पहुंचता हूँ। और कहीं एक के बाद छह के फेर में पड़ गए तो? अरे अब ये गुलाम किसी फेर में नहीं पड़ेगा। तेरे बदमाश की, इसलिए उतारी थी तस्वीर तूने। दमयंती बहन, दमयंती बहन, दमयंती बहन, अरे दमयंती बहन, जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या हुआ? इस मुए बद्री ने तुम्हारे बच्चों को यतीम बना दिया है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूंगी? मेरे छोटे छोटे बच्चे, क्या करूंगी माँ? आए मेरे छोटे छोटे बच्चों का छोटा बाप। अरे पर कौन मर गया, नाम तो बोलो ताकि मैं रोने में ठंडी मैं खिला सकूं। शर्म नहीं आती तुझे? दमयंती को मार डाला, उसके बच्चों को यतीम बना दिया और कहता है कौन मर गया। और पर दमयंती बहन तो ये क्या बैठी है, और इसके बच्चे तो बाहर कबड्डी खेल रहे हैं। पर तूने तो अपनी तरफ से मार डाला और 500 रुपए वसूल कर लिए इसी बात पर। देखो रोते हुए बच्चों की तस्वीर। गलती गलती, बात यह है मालकिन कि अगर मैं ऐसी तरकीब न लाता तो मेरी मौसी 5 रुपए, आई मीन तुसे मामी 5 रुपए भी नहीं भेजती, इतनी कंजूस है वो। रुपए के बच्चे, अगर तू इस बिल्डिंग में रहेगा तो ये सब बिल्डिंग की औरतों को बेवा बना के छोड़ेगा। क्यों झूठ बोलती हो, इनमें से 2-3 तो पहले से बेवा है। मेरी टोपी, मेरी टोपी, मेरी टोपी। ओहो, 4:30 बज गए और कमबख्त अभी तक नहीं आया। अबे आ गया, नाम लिया और नमूदार, इसे कहते हैं दोस्ती। बे उल्लू की दुम दम, दोस्ती का भरतो और काम दुश्मनी का करतो। 100 बार कहा कि खिड़की से ना आया करो, मेरा दिल ढक से हो जाता है। अब तुम्हें तो मालूम है कि इस घर का अपने लिए दरवाजा बंद खिड़की चालू है। अब तुम ही बताओ कि दोस्ती निभाने के लिए चोरों की तरह ना हो तो फिर कैसे आओ? नहीं नहीं, कसम भगवान की, सारे हिंदुस्तान में जवाब नहीं है तेरा, एक नग हो। इसीलिए तो तुझे इतना प्यार करता हूँ मेरी जान। ऐसा प्यार महंगा पड़ेगा। अबे महंगी की क्या फिक्र, ये ले बटुआ। अगर डैडी को पता लग गया कि मेरे पास 2-250 रुपया है तो खर्च में से उतना ही कम होगा। अरे डैडी तो क्या, अब तुमको भी नहीं मालूम होगा। क्या कहा? मेरा मतलब है परदेश में जितना भी रुपया हो कम पड़ता है। बेटा मर गए। अबे कौन है? मैं हूँ बद्री बद्री। तुम फिर यहाँ? मच्छर की जात मालूम होते हो, जहाँ से उड़ाए जाते हो वहाँ फिर पहुँच जाते हो। इंसुलेट न कीजिए राय बहादुर साहब, गुस्से को रसगुल्ला बना दीजिए, गर्मी को नरमी में तब्दील कर दीजिए। मैं यहाँ कभी ना था, हरगिज ना था, बिल्कुल ना था, कतई ना था, मगर मगर क्या? मगर मैंने बुलाया था डैडी। तुमने बुलाया है जी? क्या हमारे घर में और बीमारियां कम थी जो इस मुसीबत को दावत दी है? नहीं, बात यह है डैडी कि पहाड़ में अकेले रहना, अकेले घूमना फिरना जहर हो जाता है, इसलिए। बिल्कुल ठीक कहता है। फिर कभी इस घर में दिखाई दिए तो पुराने कैलेंडर की तरह इसी खिड़की से। मैं समझ गया, फेंक दिया जाऊंगा ना, मुझे प्रैक्टिस है बहादुर साहब। अच्छा मैं चलता हूं। मेरे बेटे के दोस्त ऐसे अहरे गहरे न तू खरे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे बेवकूफ, मैं श्री उद्धवदास एमए पीएचडी को बहसियत निगहबान और साथी के तुम्हारे साथ भेज रहा हूं। मर गए? क्या कहा? मैंने कहा राय बहादुर साहब। मेरा मतलब था वो आ गए। आज्ञा मिली कि सेवक उपस्थित हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बरखुरदार का हाथ आपके हाथ में देता हूँ, ये 2 महीने तक आपकी निगरानी में रहेगा। आप इससे सुधारिए, तब तक दिल्ली की सड़कें भी सुधर जाएंगी।
जो दिन में तीन तीन मरतबा इसकी मोटर पंक्चर कर देती है। आप चिंता न कीजिए, मेरे सत्संग से तो बड़े बड़ों का उद्धार हो गया है। जी हाँ, बरखुरदार की देखभाल में किसी प्रकार की त्रुटि न होगी, मुझे आपसे यही उम्मीद है। जी मोटर रोक लो, बोलो महाराज कुमार बोलते आगे मत जाओ। जो आ गया सरकार। गाड़ी रोको, महाराज कुमार कहते आगे मत जाओ। महाराज कुमार, बात महाराज कुमार, देखते हो तो आगे मत जाओ, रास्ता बहुत खतरनाक है। मार्ग भयुक्त है महाराज कुमार साहब, मगर जिस स्थान पर हम उपस्थित हैं वहाँ तो कोई भय नहीं। वहाँ तो कोई भय नहीं? हाँ हाँ हाँ, क्या भाषा है, ऐसा मालूम होता है कोई महाविद्वान हमारे पहाड़ में पधारे रहे हैं। दास उधो दास MA PhD है महाराज कुमार साहब। ओ, लिटरेचर के मास्टर, साइकोलॉजी के प्रोफेसर, जिनकी आवाज सुनकर आधे हिंदुस्तान ने शराब छोड़ दिए। जी 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 महाराज कुमार साहब। अरे अरे मनोहर तुम। हेलो महाराज कुमार। महाराज कुमार? हाँ महाराज कुमार, वीर सिंह। आज से हम आपको महाराज कुमार परम वीर सिंह कहेंगे। अरे तुम इधर किधर निकल आए? तैयार कर ले को। कुछ पैसा वैसा तो नहीं लेकर आए हो ना? जी है, 10,000। 10,000? ओफो, यहाँ तो दो चार खूनी चले आए हैं जो 2-2 रुपए के लिए पिस्तौल चला देते हैं। क्या होगा? आप ही पिस्तौल रख लीजिए। पिस्तौल? जिन हाथों में सर्वदा पिस्तौल नहीं हो महाराज कुमार साहब, उनमें पिस्तौल शोभा नहीं देता। ठीक है गुरुदेव, कहीं गोली वोली चल गई तो? नहीं नहीं, वो आप अपने पास ही रखिए। तो फिर अच्छा, ये मैं रख लेता हूँ, और जोखम मुझे दे डालिए। जोखम? ये संभालिए, अब तो किसी प्रकार का भय नहीं रहा। अब काय का भय, आंख बंद करके चले जाइए। अच्छा मनोहर, टाटा, गांव में मिलता हूँ। परमात्मा परमात्मा।